हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृश्या किचन। और आज हम बनाने वाले हैं ब्रोकली। ब्रोकली रेस्टोरेंट वाली इंडियन स्टाइल में और खाने में लाजवाब और टेस्ट में भरपूर। वैसे तो ब्रोकली डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है, लेकिन मैं यहाँ जो ब्रोकली बनाने वाली हूँ वो इंडियन स्टाइल होने के साथ साथ ग्रेवी में होगी और देखने और खाने में लाजवाब होगी। तो चलते हैं और बनाते हैं वीडियो के आगे के पार्ट में कि ब्रोकली में यहाँ कैसे बनाने चलने वाली हूँ। मैं यहाँ ब्रोकली में जो ज़रूरी चीज़ें यूज करने वाली हूँ वो है अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज और टमाटर। और ये है मेरी मेन इंग्रेडिएंट्स ब्रोकली। ये ब्रोकली का मैं ये रफ पार्ट है, इसको मैं हटा दूँगी। जब हम ब्रोकली को कट करेंगे तो कुछ कुछ फूल गोभी की तरह यूज करेंगे। इसका ये रफ पार्ट हटा देंगे और इसे फेंक देंगे। और जब ब्रोकली हमारी नीट एंड क्लीन साफ सुथरी हो जाएगी तो हमें पहले इसके इस तरीके से फूलों को अलग अलग कट कर लेना है। ब्रोकली के इन फूलों को तो हम आसानी से हटा लेते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज रह जाती है ब्रोकली का ये हार्ड पार्ट। इसे हम फेंकेंगे नहीं, आगे बताती हूँ कैसे यूज करना है। पहले हम ब्रोकली के इन सभी फूलों को अलग अलग कर लेंगे। जो फूल मोटे हैं उनको थोड़ा सा बीच में से कट कर लेंगे और लंबे लंबे डंठलों को इस तरीके से काटते हुए चलेंगे। ब्रोकली को जब भी कट करें बहुत ज़्यादा छोटे पार्ट्स में आप कट ना करें, वरना ये जल्दी से गल जाते हैं। आपको थोड़ा मोटा ही रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्रोकली कितनी आसानी से कट हो जाती है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा तामझाम हमें नहीं करना होता। ये देखिए, ये आसानी से इस तरीके से कट जाएगी। कट करने के बाद इसे अच्छे से वॉश कर लेना है पानी से। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये ब्रोकली तो कट हो गई है। अब मैं इसका हार्ड पार्ट जो कट फेंकूंगी नहीं, इसे भी यूज करूंगी। बस इसके ऊपर का जो हार्ड पार्ट है इसको हमें हटा देना है। यह बहुत ही आसानी से हटता जाता है और बीच का सॉफ्ट पार्ट है, हमें उसे यूज करना है। और इसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे। जैसे कि हम आलू कट करते हैं वैसे ही इसको भी कट करना। और जो एक्स्ट्रा जितना भी सामान है इसको हम फेंक देंगे। ये लीजिए, मेरी तो ब्रोकली पूरी तरीके से कट हो चुकी है। बस ध्यान रहे इसे अच्छे से वॉश जरूर कर लें। यहाँ मैं गैस पर अपना पैन पहले ही चढ़ा चुकी हूँ, ये गर्म हो चुका है। और इसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल यूज करूँगी। सरसों के तेल में स्मेल ज़्यादा ना आए इसके लिए हमें उसमें थोड़ा सा धुआं उठाने के तक उसे गर्म करना है। ये देखिए, जैसे इसमें धुआं उठने लगेगा यहाँ सबसे पहले मैं गर्म मसाले इसमें डालूंगी, जिसमें होगा मेरा 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेजपात का पत्ता जिसे मैं 2 टुकड़ों में कट करके डाल रही हूँ। और 1 बड़ी इलायची, इसको भी आप 2 टुकड़ों में खोल कर कट करके रखें जिससे कि इसमें और महक आ जाए। और बस ऊपर से हमें ये जो ब्रोकली है वो भी इसमें रख देनी है।
यहाँ हमें ब्रोकली को थोड़ी देर ऐसे ही ऑयल में अच्छे से चलाना है। इसमें चलाने का मेन रीज़न यह है कि हम इसे फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम इसे कम तेल में बना रहे हैं। इसके लिए हमें जो ऑयल है वो सभी में अच्छे से लग जाना चाहिए, और लग जाने के बाद इसे ऊपर से मैं 1 टेबल स्पून के करीब इसमें सॉल्ट डालूंगी। यह सॉल्ट हमारी ब्रोकली को जल्दी ही पकने में हेल्प करेगा। देखिए मैंने अपनी ब्रोकली सॉल्ट और ऑयल में थोड़ी देर ऐसे ही खुले में पकाई है। उसके बाद मैं इसे करीब 5 से 10 मिनट्स के लिए ढककर पकाऊंगी, और ये ढककर पकाने का मेन रीजन ये हो। यह बहुत ही जल्दी से पक जाएगी। ये देखिए मेरी तो ब्रोकली अच्छे से पक चुकी है, और आप इसको हल्का सा टच करके देखें कि ये पकी है या नहीं। यह करीब हमें 50 से 60% तक कुक कर लेनी है। बस गैस की फ्लेम बंद कर लें और इसे हमें उतार लेना है। मेरा पैन खाली हो चुका है, और हम फिर से इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ही मस्टर्ड ऑयल फिर से ऐड करेंगे, और ऊपर से जाएंगी हमारे कोई मसाले नहीं, सीधे लहसुन की जो छोटी छोटी कलियाँ थीं, और हरी मिर्च और अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कट कर लिए हैं, उनको मैं हल्का सा गोल्डन करूँगी। जैसे ही मेरे ये गोल्डन होने लगेंगे, मैं ऊपर से इसमें अब अनियन जो मैंने ऐसी रफली चॉप कर रखी है उसको भी ऐड कर दूंगी, और अनियन को हमें हल्का सा लाइट गोल्डन तक अच्छे से ऐसे ही पकाना है चलाते हुए। मैं इन सभी चीज़ों को ओपन में ही पकाऊंगी, और देखिए कुछ ही देर में मेरी अनियन भी सॉफ्ट होने लगी है और कलर चेंज हो गया है। बस इसी स्टेज तक हमें इसे अनियन को और सभी चीज़ों को पकाना है, और ऊपर से हम जो टमाटर हैं वो भी हम इसमें रफली चॉप करके ऐसे ही ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जैसे ही हम ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी ऊपर से हम डालेंगे अपने कुछ मसाले। मसालों में सबसे पहले जाएगा 1 टेबल स्पून हमारा सॉल्ट, 1 टेबल स्पून के करीब ही हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून के करीब ही रेड चिली पाउडर, और इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है, और जब तक पकाना है जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं या गल ना जाएं। हम इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस इतना पकाना है कि सभी चीज़ों में एक सॉफ्टनेस आने लग जाए और टमाटर हल्का सा गलने लग जाए। बस देखिए इसी स्टेज तक मेरे को इन सभी को पकाना है, और मैं इन सभी को ठंडा होने के साथ अपना मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए मेरी तो ग्रेवी बनने के लिए रेडी हो रही है। मैं यहाँ इसे ठंडा कर लूँगी थोड़ी देर, और फिर अपने मिक्सी के पॉट से इसे बारीक पीस लूँगी। अगर आप कभी भी इसे गरम गरम पीसें तो ध्यान रहे उसमें 2 आइस क्यूब्स जरूर ऐड कर लें। इससे क्या होगा, आपका मिक्सी का पॉट नहीं खुलेगा और जलने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। और यहाँ मैंने पैन एक बार फिर से गर्म करने के लिए रख दिया है, और इस बार जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल। जैसे ही ये वेजिटेबल ऑयल गर्म होगा मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब जीरा ऐड करूँगी। और जीरा के साथ जाएगा मेरा 1 पिंच के करीब हींग, और यहाँ हींग के साथ कुछ खड़े मसाले जाएंगे जिसमें मेरी काली मिर्च और लौंग। ये ज़्यादा ना ऐड करें, सिर्फ 2 या 3 ऐड करनी है।
बस जो आपकी ग्रेवी पहले से रेडी हो चुकी है उसको भी इसी में ऐड कर देंगे और अच्छे से पकाएंगे। लगातार चलाते हुए आपको इसे अच्छे से पकाते रहना है। जैसे ये लगेगी कि इसकी थिकनेस बढ़ गई है और ये अच्छे से पक चुकी है तो आप उसमें से ऊपर से अपने मसाले ऐड करेंगे। जिसमें सबसे पहले जाएगा आपका देगी मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, ये इसकी कलर बढ़ाएगा। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून के करीब आपकी कसूरी मेथी। ग्रेवी के साथ साथ हमें इन मसालों को भी अच्छे से पकाना है। लगातार चलाते हुए ग्रेवी को बहुत ही थिक कर लेना है। और ये देखिए ग्रेवी का कलर चेंज हो चुका है और ये लगातार चलाते हुए अच्छे से पक भी चुकी है। लगातार चलाते हुए रहने से जैसे ही आपको लगने लगे कि ग्रेवी आपकी अच्छे से पक चुकी है, तो जब ग्रेवी आपको अच्छे से पक जाएगी तब हमारा एक बड़ा चम्मच हम इसमें दही ऐड करेंगे। यह घर का फ्रेश दही है और इसमें एक हल्की सी मिठास ली हुई है। अगर खट्टा दही आप ऐड कर रहे हैं तो वो थोड़ा कम करें। देखिए मेरी तो इसमें ग्रेवी भी पक गई और इसमें एक अलग सी थिकनेस आ गई है। बस इसी स्टेज पर अब मैं अपनी जो ब्रोकली जो मैं पहले ही 50% से 60% कुक कर चुकी हूँ वो इसमें ऐड करूँगी। और इन सभी चीज़ों को मिलाकर अच्छे से हमें थोड़ी देर चलाना है और हल्का सा सुनहरा गोल्डन कर लेना है। ये देखिए ये मेरी ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है। अब इस स्टेज पर मैं ग्रेवी में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अगर यहाँ पर आप ग्रेवी बहुत पतली चाहते हैं तो अपने इच्छा के अनुसार थोड़ी पतली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ग्रेवी पतली नहीं करूँगी। करीब 1 कप के करीब यहाँ पानी ऐड करूँगी, वो भी थोड़ा थोड़ा कर। यहाँ पर आप जब भी पानी ऐड करें उसे अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के साथ यहाँ पर ग्रेवी को हल्का सा टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने 2 बार पहले भी सॉल्ट ऐड कर चुके हैं। अगर आपका सॉल्ट कम है तो इस स्टेप पर आप लास्ट अपना सॉल्ट ऐड कर लें। क्योंकि मेरी ब्रोकली अभी पूरी तरीके से कुक नहीं है तो यहाँ मैं उसे 5 से 10 मिनट्स के लिए ढककर अच्छे से कुक करने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए 5 से 10 मिनट्स हो चुके हैं, मेरी ब्रोकली अच्छे से कुक हो चुकी है और देखने में लाजवाब लुक आ रहा है। और ऊपर से जाएगा एक छोटा सा बटर का टुकड़ा जो इसमें एक बटरिंग टेस्ट लाएगा और इसका खाने को टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। ये देखिए मेरी तो सब्जी अच्छे से कुक हो चुकी है और मेरे को जो थिकनेस चाहिए थी वो परफेक्ट थिकनेस इसमें आ चुकी है। अगर आप इसमें और पतली ग्रेवी चाहते हैं तो पानी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी पतली ग्रेवी बना सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत है। बस चलते हैं इसकी प्लेटिंग की तरफ। ये देखिए देखने में लग रही है ना शानदार और लाजवाब। तो बस देर किस बात की है, आप भी बनाइए ब्रोकली इंडियन स्टाइल में और बनाइए और बताइए कि आपकी ग्रेवी वाली ये ब्रोकली कैसी बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी समझ में आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।